अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दही वाली अरबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दही वाली अरबी बनाना शुरू करते हैं। दही वाली अरबी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच लिया है हमने अजवाइन, 2 चुटकी हींग और 1 सूखी लाल मिर्च ली है। ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए सॉटे होने देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच अदरक का, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी हम भून लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी लो कर दिया है और अब इसको हम भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन, और बेसन को भी हमें लो मीडियम फ्लेम पर भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। जब अच्छी तरह से बेसन पक जाए तब तक हमें इसे भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना है आपको। तो यहाँ पे देखिए बेसन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, और मसालों में हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 1 मिनट के लिए भून लेंगे इनको भी। मसाले हमारे भून गए हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में थोड़ा पानी डाल के, 1/2 कप दही में थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल लेंगे और चलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तो इसको हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू। दही को हमने तब तक पकाना है जब तक इसमें इस तरह से बॉयल ना जाए। जब आप दही डालें तो फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है। लो करने के बाद आपको कंटिन्यू दही को चलाना है और तब तक पकाना है जब तक इस तरह से इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद आप इसमें चलाना छोड़ सकते हैं। तो अब इसमें बॉयल आ गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं अरबी। अरबी को मैंने बॉयल किया है। अरबी को मैंने एक विसल हाई पे लगाया और उसके बाद मैंने 12-15 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने दिया प्रेशर कुकर को। और उसके बाद हमने अरबी को निकाल के छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब हम अरबी को इसके अंदर पकने देंगे। अरबी डालें तभी आप इसमें नमक भी डाल दें। तो मैं नमक डालना यहाँ भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है। 1/2 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसे 5 मिनट के लिए पकने दें। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारी दही वाली अरबी बनके रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और आप चाहें तो हरा धनिया बारीक काट करके वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी दही वाली अरबी बनके रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी दही वाली अरबी बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।